मसाइल पे लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। बहुत मर्तबा देखते होंगे कि अकबर साहब को इतना गुस्सा आता है, प्रेजरी बेंचेस वाले बोलेंगे कि अकबर साहब एकदम गुस्से में आ जाते, हुकूमत को बोलते हैं हां मैं अपने लिए खड़े होकर नहीं लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं तो इस रियासत के लोगों के लिए जिसमें मुसलमान भी शामिल है। अगर नहीं लड़ू, नहीं बोलूंगा तो फिर मसाइल कैसे आएंगे। तो हमने हर काम पर, जो जो काम पर हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की वो हुआ। आज बताइए कौन सी रियासत है, कौन सी रियासत है जहां पे माइनॉरिटीज के लिए 200 से जायद रेजिडेंशियल स्कूल है? हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो तेलंगाना में। 50,000 बच्चे जेरे तालीम हैं, तो क्या ये एक कामयाबी नहीं? तेलंगाना में वक्त ट्रिब्यूनल नहीं था, बनाने के लिए हम बोले फौरन उस वक्त ट्रिब्यूनल बना। हज कमेटी के ताल्लुक से दावत इफ्तार और फिर कपड़े गरीबों को, तो ऐसे कई स्कीमात हैं। और फिर हाली आरसे में असेंबली सेशन शुरू होने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मैं और मेरे पार्टी प्रेसिडेंट मुलाकात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्या मसाइल है बताइए। हमने इस्लामिक सेंटर का इस ऐवान में मुतालिबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा जरूर बनाना चाहिए, ऐलान किया, जियो जारी किया कि बनाया जाना चाहिए। तो जब बन रहा था तो वो डेढ़ एकड़ पर था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि अकबर साहब डेढ़ एकड़ पे नहीं, ये बड़ा बनना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप एक 5 एकड़ दे दीजिए। तो बोले नहीं, 5 एकड़ भी नहीं, 10 एकड़ पे बनना चाहिए, शानदार बनना चाहिए। और 10 एकड़ जमीन अलॉटमेंट का जियो निकाला गया। तो आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिदोजहद और ये लीडर, मैं यहां कहना चाहता हूं इस बात को कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर राव साहब को सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की नजर से या हैसियत से देखते या इज्जत या एहतराम नहीं करते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर की शख्सियत उनके लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसलिए कि ये वो शख्सियत है जिसने तेलंगाना को हासिल किया। तेलंगाना को हासिल करना कोई मामूली काम नहीं था। लोग बोलेंगे कि हमने ताईद की, हम भी साथ दिए, हम भी जुड़े हुए थे। अरे ये शख्सियत की ताकत और कामयाब स्ट्रैटेजी की नतीजा था कि आपको भी जुड़ना पड़ा। अगर कोई कहता है कि हम दिए तो आप नहीं दिए, देना पड़ा, तो ये किसकी कामयाबी हुई? अगर कहते हैं कि हमने हासिल किया, हमारी लीडर ने दिया, हमारी हुकूमत ने दिया, तो सवाल यह है कि आपने आपकी लीडर को क्या दिया? ये जगह दिला दी। फिर कहते हैं कि क्या किया? अरे आज इतनी बिलबिलाहट, इतनी क्यों? आपको भी मौका है, आप बोलिए। आप अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं बैठता हूं। बैठ बोलिए। अगर अगर दीजिए, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इंशाल्लाह वो वक्त कभी नहीं आएगा, कम से कम 2019 में तो नहीं आ सकता। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, मजलिस और टीआरएस मिलकर फिर से 2019 में आए।